गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वेद शुक्ला हाजिर हूं आपके साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। इससे पहले कि हम अपने विषय और विषय से जुड़े टॉपिक की तरफ चलें, जैसा कि हर क्लास के शुरुआत में चंद बातें हम अन अकेडमी से रिलेटेड करते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करेंगे। अन अकेडमी क्रैक UPSC एंड UPSSSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। अबाउट मी, इट्स मी वेद शुक्ला, delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help students achieve their goals. Download the Unacademy app now and use code to unlock free plan. जी हाँ, अगर आप जो है कोड का इस्तेमाल करके फ्री प्लान को अनलॉक करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ना सिर्फ फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, बल्कि अनअकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ जो है साइन अप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। आपके सपनों के सफर में जो भी टारगेट आपने अपने लिए फिक्स किया है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं वो कोर्स, उस गोल को सिलेक्ट और सब्सक्राइब करने के बाद आप अनअकेडमी से जुड़ जाएंगे और अब आपके सपने हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फतेह UPSC स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट के तहत जिसकी पहली रैंक होती है वो 100% स्कॉलरशिप का हकदार होता है 6 मंथ्स एंड अबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन के लिहाज से। सेकंड से थर्ड रैंक आने की स्थिति में 50% स्कॉलरशिप और फोर्थ से 25th रैंक का होल्डर 25% स्कॉलरशिप का हकदार होगा। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट में GS के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 का, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 की माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शन आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यानी वो जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने सपनों का सफर आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तैयारी को अंजाम तक ले जा रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के हकदार नहीं है। देखते हैं प्लस फीचर्स की चंद खूबियों के बारे में। लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, यहाँ से आप अपनी मन पसंदीदा शिक्षक से अपनी कम्फर्ट जोन में रहकर तैयारी को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्लस फीचर से जुड़ने की स्थिति में आपकी पहुँच अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी टॉप एजुकेटर एक साथ एक बैनर अनअकैडमी के तले आपको उपलब्ध हो सकेंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से पहले तो सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करना, एक एक यूनिट के टॉपिक डिसाइड करना, टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना, संभावित प्रश्नों की बात करना और फिर टॉपिक की डिटेलिंग करना। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप यहाँ आप प्री मेन्स इंटरव्यू का मुकम्मल सिलसिला जो है तय कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अरेंज किए जाते हैं, यानी पढ़ने के दौरान अगर किसी विषय को या विषय से जुड़े किसी टॉपिक को लेकर मन में कहीं कोई शंका है तो शंका का समाधान भी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत। लाइव टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके जरिए आप इस बात का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा आपकी स्थिति क्या है, कहीं आप अभी भी तो छोटी छोटी गलतियां नहीं कर रहे, समय रहते प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। इस तरह आपको आपकी खूबियों और खामियों से परिचित कराने का जरिया बनती है लाइव टेस्ट सीरीज। कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। यहाँ आंसर राइटिंग सेशंस भी मेंस के लिहाज से लॉन्च किए गए हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध है ही। आइए देखें प्रगति शीर्षक से UPSC RO प्रीलिम्स 2021 को डेडिकेटेड प्लस टेस्ट सीरीज भी चल रही है सुबह 10 बजे। ये अलग अलग विषयों को डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी है और होल सिलेबस बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। आप अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के हिसाब से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए लक्ष्य शीर्षक से UPSC PCS मेंस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करके अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ाएं। बैच कोर्सेज की बात करें तो UPSC मेंस ऑप्शनल की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री को लेकर के बैच फरवरी 2021 से ही स्टार्ट किए जा चुके हैं। प्रारंभ शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी लोअर PCS 2021 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 1 जुलाई से ही प्रगति शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर UPPCS RO प्रीलिम्स भी लॉन्च किया गया है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर लोअर PCS आपका टारगेट है तो दोनों ही तरीके से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लोअर PCS का बैच प्रारंभ शीर्षक से और RO का बैच प्रगति शीर्षक से उपलब्ध है। शिखर शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर UPSSSSI PET भी जो है चल रहा है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को जो है लागू करने के बाद UPSSSSI के लिए एक अहम चुनौती बन गई है और इसको ध्यान में रख करके 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट किया गया है।
मिशन खाकी शीर्षक से कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 भी लॉन्च किया गया है, किया जाने वाला है। ये बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका इरादा भी दरोगा भर्ती में अपने लिए एक अवसर तलाशने का है तो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे इस बैच को विदाउट फेल ज्वाइन करें। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022। जी हाँ, अगर आपका लक्ष्य भी यूपीपीएससी 2022 में अपने लिए एक अदद सम्मानजनक सीट सुरक्षित करने का है तो 12 महीनों का प्रीकम मेंस का ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। 7 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा, इसलिए याद रखें, आज ही रिमाइंडर लगा लें और 7 जुलाई से पहले इस बैच में एनरोलमेंट कर रहे हैं। यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओआरओ, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, पेट, लेखपाल, बीओ और अन्य ऑप्शनल कोर्सेज तक आपकी पहुंच हो जाती है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। जी हाँ, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का कोर्स लेने की स्थिति में आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से 10% छूट की सुविधा भी दी जाती है। ये छूट आप हासिल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माई रेफरल कोड इज SPVEDS10। जी हाँ, SPVEDS10 रेफरल कोड को यूज करने की स्थिति में आपको सब्सक्रिप्शन फी पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मसलन, वो फीस जो 1 साल के लिए 7,000 तय की गई है, वो 10% डिस्काउंट के बाद 6,300, 8,400 की 2 साल की फीस आफ्टर 10% डिस्काउंट 7,560 हो जाएगी। तो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन योर डिमांड। अब घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। सो अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल ऑफर्स के लिए अनअकैडमी। ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। जब तक अगर अभी तक आप इन प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें, तो अपनी तैयारी के दिशा में बहुत सी सहायक सामग्रियों की प्राप्ति तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करें। दिस इज योर अनअकैडमी। ये तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ी बातें हुई। उपलब्ध बैचेस, सहूलियत, सुविधाएं और रियायतों से आपने परिचय प्राप्त किया, या अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर वक्त गवाए इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने सपनों का सफर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जोड़िए और उन हजारों सफल छात्रों की कतार में खड़े होने का अवसर हासिल करिए जो प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी मंजिल तक जा चुके हैं। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज अपना विषय और विषय से जुड़ा टॉपिक। विषय है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और सुबह के वक्त में हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिहाज से। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, UPSSSC के लिए, ऑल वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हमने भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन विषय को पढ़ाने के क्रम में आधुनिक इतिहास विषय से शुरुआत की है। ऐसा करने के पीछे मकसद साफ है कि पिछले कुछ वर्षों का पेपर एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाले प्रश्नों की संख्या अन्य पोर्शन से आने वाले प्रश्नों की अपेक्षा ज़्यादा है, और इस वजह से हमने अपने विषय की शुरुआत आधुनिक इतिहास से की। और अभी तक आधुनिक इतिहास के तहत बहुत से टॉपिक पढ़ते हुए आज हम जिस टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। जी हाँ, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जरा सा रिकॉल करा दूं, चूंकि इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और स्थापना की परिस्थितियां, स्थापना में ह्यूम की भूमिका, ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए भारतीयों को तैयार करना, अंग्रेजों को कन्विंस करना, डफरिन का सहयोग प्राप्त करना, ये सब हमने देख लिया है। इसको देखने के क्रम में हमने कांग्रेस पर लगने वाले आक्षेपों का भी अध्ययन किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा के साथ जोड़ा गया, उस बात को भी जाना, उसका खंडन भी किया हमने। ये भी जानने का प्रयास किया हमने कि भले ही ह्यूम ने जो है और अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के तौर पर की हो, लेकिन जल्द ही उदारवादी कांग्रेस के नेताओं ने और आगे आने वाले नेतृत्वकर्ताओं ने बहुत जल्द कांग्रेस का इस्तेमाल तड़ित चालक के तौर पर किया। यानी कुल मिलाकर के जो है भारतीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की दमन से बचाया और कांग्रेस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर जो है अग्रसर रखा। ठीक है, हमने कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक टॉपिक और डिस्कस किया है ऑलरेडी, वो टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन
स्थापना के प्रथम अधिवेशन से लेकर अन्य अधिवेशनों की चर्चाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो अधिवेशन जिनमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उनकी डिटेलिंग भी हमने की और उन फैसलों के बारे में जानकारी भी हमने इस टॉपिक के तहत हासिल की थी। ठीक है, आज हम स्थापना के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, चूंकि कांग्रेस की स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विधिवत शुरुआत हो गई, और इस आंदोलन को हम तीन चरणों में बांटकर देखते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को तीन चरणों में बांटा जाता है। बांटा गया है। पहला चरण जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, और उदारवादी चरण जो है 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद से वर्ष 1905 तक यानी 20 वर्षों तक चला। इन 20 वर्षों में कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा के नेताओं का प्रभाव रहा, मसलन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन सा बाचा, काशीनाथ तैलंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग इसके नेतृत्वकर्ताओं में रहे। और फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और उस विभाजन के बाद उग्रवादियों का कांग्रेस पर वर्चस्व बढ़ने लगा और उनके तौर तरीकों का जो है संपादन होने लगा, और उस चरण को हम देखते हैं उग्रवादी चरण के नाम से। ये चरण 1905 से 1919 के बीच माना जाता है। ठीक है, और फिर 1919 में ही चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका है, और 1919 वो वर्ष है जब महात्मा गांधी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर किसी सत्याग्रह का आयोजन करने जा रहे हैं, यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह। इससे पहले भी उन्होंने लगातार तीन सफल आंदोलन ऑलरेडी किए थे, मसलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो लगातार एक के बाद एक तीन हैट्रिक गांधी मार चुके थे ऑलरेडी, और 1919 में वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का आयोजन करें। ये अवसर दिया उनको रॉलेट एक्ट ने, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने आह्वान किया सबका, और राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। यानी अगला चरण जो है वो गांधीवादी चरण कहलाएगा, क्योंकि इस अवधि में होने वाली सभी प्रमुख गतिविधियों के केंद्र में गांधी हैं, या तो गांधी प्रत्यक्षता इन्वॉल्व है, या गांधी को ध्यान में रखकर के गतिविधियों का संपादन किया जा रहा है, इसलिए इसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं। और इस चरण का काल माना जाता है 1919 से भारत की आजादी तक, यानी वर्ष 1947। ठीक है, आज की क्लास जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण यानी फर्स्ट फेज से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है आप तैयार हो चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि हमें जो है क्या पढ़ना है और किस दिशा में जाना है। आइए देखें, देखिए कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के काल को उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में कांग्रेस की नीतियां अत्यंत उदार थी। इस युग में भारतीय राजनीति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाह वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और काशीनाथ तैलंग जैसे उदारवादी व्यक्तित्व। जी हाँ, इस काल में इन 20 वर्षों के समय में कांग्रेस की नीतियां अत्यंत उदार थी। और फिर आखिर क्यों ना हो उदार, उदार होने के कारणों की जरा हम जांच पड़ताल कर लें। उदार होने के कारणों की अगर हम चर्चा करते हैं, तो पहला कारण जो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है वो ये कि इस वक्त कांग्रेस पर उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग का प्रभाव है, और ये वर्ग अभी भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखता है, और इनका मानना है कि अगर ये अंग्रेजों को भलीभांत भारतीयों की समस्या से परिचित कराने में कामयाब हो गए, तो
तो भारतीयों के हित में जो है कुछ प्रावधान कराए जा सकते हैं, इसलिए ये अपनी पॉलिसी जो है वो उदारवादी रखे। दूसरा कारण, ये आरंभिक दौर है, कांग्रेस की स्थापना के बाद का आरंभिक दौर है और अभी उग्र विचारधाराओं को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये अभी उग्रवादी विचारधारा के प्रभाव में आएंगे, वायलेंट होंगे या ज्यादा सख्ती से अपनी मांगों को रखेंगे, तो इस बात की पूरी आशंका है इस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रास्ता मुश्किल कर दिया जाए, इसका दमन कर दिया जाए। मेरी आशंका इस बात की कि सरकार कांग्रेस का दमन कर सकती है, दमन कर सकती है। इसके चलते भी उदारवादी विचारधारा अपनाई जा रही है, ठीक है। न सिर्फ इतना, बल्कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के अधीन, औपनिवेशिक शासन के अधीन अभी भी इन्हें स्वशासन मिलने की उम्मीद है, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में हुआ था, और इस उम्मीद से भी ये जो है उदारवादी विचारधारा को अपना करके प्रार्थना पत्रों, याचनाओं, सभाओं, अनुनय विनय और निवेदनों के जरिए जो है अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखते हैं और उनका हृदय परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उदारवादियों की राजनीति के कुछ सुस्पष्ट चरण रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनके आंदोलन के उद्देश्यों और नियमों में एकरूपता के तत्व समाहित रहे हैं। उदारवादी ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की अपेक्षा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि ब्रिटिश शासन भारत से हट जाए और समाप्त हो जाए, बल्कि ये चाहते हैं कि इसमें सुधार लाने में और ये विश्वास रखते हैं, और ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक सत्ता के अधीन की लागू की जाने वाली नीतियों को जो है भारतीयों के हित में जो है प्रशस्त करना चाहते हैं। दरअसल उदारवादी नेतृत्व को विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के जरिए ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होगा, और इसलिए उन्होंने इस रास्ते का अनुगमन किया। उदारवादियों का यह विश्वास था कि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे आएगी। वो भी इस बात के इच्छुक हैं कि पूरी तरीके से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जाए, और यही उनका भी लक्ष्य है, लेकिन वो इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ये पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता यक बयक नहीं मिल जाएगी, ये धीरे धीरे ही प्राप्त होगी, और अंततः भारत को भी ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों की ही तरह स्वशासन का अधिकार भी मिलेगा। मैंने जैसा कि कहा कि उदारवादी विचारधारा के लोगों का अभी भी ये विश्वास है कि धीरे धीरे जो है भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाले अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन की तरफ बढ़ सकेगा। उदारवादियों ने क्रमागत संवैधानिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों की मांग की, यानी उन्होंने इन 20 वर्षों में सर्वप्रथम संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया, उसके बाद प्रशासनिक सुधारों पर, और फिर राजनीतिक अधिकारों को लेकर के जो है मांग प्रस्तुत करेंगे। उदारवादियों द्वारा की गई मांगों का प्रभाव 1892 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। लगातार जो है उदारवादियों की मांग का परिणाम ये हुआ कि 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। हालांकि ये वृद्धि हो गई, पर अभी भी जो है बहुमत किसका था? बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। उदारवादी नेतृत्वकर्ताओं को ब्रिटिश संसद और जनता की न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि यदि वे ब्रिटेन में अंग्रेजों तक भारत के निवासियों की दुर्दशा का समाचार पहुंचा पाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी उनका इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि ब्रिटिश जनता और जो है ब्रिटेन की संसद के सामने अगर हम भारतीयों की समस्याओं को लेकर जाएंगे तो इनका निराकरण जरूर संभव हो सकेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रिटिशर्स जो है आधुनिक विचारधारा से युक्त न्यायप्रिय कौम है। ठीक है, और इसी उद्देश्य पर कायम है कांग्रेस के शुरुआत का ये नरमपंथी चरण या उदारवादी चरण। ठीक है, देखिए 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व रहा जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता है। उदारवादियों का कानून की सीमा में रहकर
संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे 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 व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति करना ही लक्ष्य था। दरअसल वो चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से अंग्रेजों के दमन का शिकार ना हो, इसलिए वो कानून की सीमा में रह करके संवैधानिक आंदोलन चलाने के पक्षधर हैं और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उदारवादियों के राजनीतिक कार्य की दो दिशाएं हैं, ठीक है? लगातार वो दो दिशाओं में प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु शक्तिशाली जनमत तैयार करना तथा जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित तथा एकताबद्ध करना, ठीक है? ये दो मोटिव को लेकर काम कर रहे हैं। एक उद्देश्य इनका जो पहला है वो ये कि भारत के आम जनमानस में राजनीतिक चेतना जगाई जाए, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को का रोपण किया जाए और एक बड़ा जनमत तैयार किया जाए इस संदर्भ में, जिससे कि वो भारतीय जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित कर सकें, जागरूक कर सकें और अवेयर होने के बाद वो अपनी आवाज को उठाने में सक्षम हो जाए, ठीक है? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव और प्रार्थना पत्र भी मूल रूप से इसी लक्ष्य पर निर्देशित थे। जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में किए गए प्रस्तावों को देखेंगे या उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को देखेंगे, तब आप इस बात का स्पष्ट झलक पा सकेंगे कि किस तरीके से उनका उद्देश्य पहले तो भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भावना का संचार करना और उनको जो है राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित करना है। और दूसरा उनका जो मोटिव है वो है आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो एक तरफ तो भारत की जनता को जागरूक करना चाहते थे, उनमें राष्ट्रवाद की विचारधारा का रोपण करना चाहते थे, प्रसार करना चाहते थे, उन्हें एक मंच पर लाना चाहते थे और दूसरी तरफ उनकी उनका उद्देश्य है कि ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को वो प्रभावित कर सकें, जिस ताकि जिस प्रकार के सुधार राष्ट्रवादियों ने सुझाए थे उनको लागू किया जा सके, ठीक है? तो राष्ट्रवादियों का विचार था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करने के लिए इच्छुक तो थी, परंतु उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी और इसी धारणा के वशीभूत वो लगातार ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश संसद को इस बात से परिचित कराने का प्रयास करते रहे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई नीतियाँ किस तरीके से भारतीयों के हितों का जो है हनन कर रही हैं। और इसी उद्देश्य से भारतीय जनमत को शिक्षित करने के साथ साथ नरमपंथी राष्ट्रवादी ब्रिटिश जनमत को भी शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। इस उद्देश्य में उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार कार्य किया। भारतीय पक्ष को उनके समक्ष रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल को ब्रिटेन भी भेजा गया। इसी उद्देश्य से वर्ष 1889 में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति भी बनाई गई, जिसका मोटिव ही है कि वो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन की संसद को और ब्रिटेन की आम आबादी को भारतीयों की समस्याओं से परिचित करा सके और उनका हृदय परिवर्तन करके भारतीयों के हित में कुछ फैसले को ले सके, ठीक है? इन्होंने अपने प्रचार कार्य हेतु अपने प्रचार कार्य के उद्देश्य से इंडिया नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो ये जो एक कमेटी स्थापित की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति नाम से 1889 में, इसने अपने प्रचार को करने के लिए, भारतीयों की समस्या से ब्रिटिशर्स को परिचित कराने के लिए एक पत्रिका का सहारा लिया था। वो पत्रिका इंडिया नाम से जानी जाती है, ठीक है? दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन और अपनी आय का विशाल हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांग का प्रचार करने में झोंक दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1892 में लंदन में किया जाए, लेकिन 1891 में अंग्रेजी चुनाव होने की घोषणा कर दी गई, जिससे ये मामला स्थगित कर दिया गया और फिर कभी इस पर कार्य नहीं किया जा सका। एक समय ऐसा भी था जब जो उदारवादियों को लग रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है लंदन में किया जाए और इस अधिवेशन को जो है ब्रिटिश संसद का ध्यान खींचने में जो है सफलता मिलेगी और भारतीयों के हित में फैसले लिए जा सकेंगे, लेकिन चूंकि अंग्रेज में चुनाव इंग्लैंड में चुनाव की घोषणा हो गई, जिसके कारण ये मामला खटाई में पड़ गया और फिर कभी नहीं उठ सका। आइए देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका क्या रही। देखिए, नरमपंथी ये भली भांत समझते थे कि भारत अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। दूसरे शब्दों में, भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र था। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य को बहुत सावधानी से निखारने की जरूरत थी। भारत
आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित किया जाए। दरअसल ये बात स्पष्ट समझते हैं उदारवादी कि अभी अभी भारत जो है एक राष्ट्र के तौर पर संगठित हो रहा है, एक नवोदित राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है उसे बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से उसे जो है नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। उन्होंने भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना का संचार करके, आर्थिक मांगों का निर्धारण करके जो है एक साझा कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया, जिससे कि वो अपनी आवाज को उठा सके। राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की गई और इस कार्य को इतने बेहतर तरीके से जो है उदारवादी लोगों ने किया कि इस युग को यानी उदारवादी चरण को हम आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग भी कहते हैं। राष्ट्रीयता युग की संज्ञा देते हैं। आइए देखें जरा, साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना आरंभिक राष्ट्रवादियों का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सफल राजनीतिक कार्य था। उन्होंने भारत के आर्थिक दोहन की तार्किक रूप से आलोचना करते हुए इसे आर्थिक साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जरिए क्रमागत व्याख्या करते हुए धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो है भारत में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के चलते होने वाला आर्थिक दोहन पर प्रकाश डाला, उसको लोगों के संज्ञान में ले आए। अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के में उन्होंने इस बात की विस्तार से तार्किक चर्चा भी की और एक थ्योरी दी जिसे धन निष्कासन के सिद्धांत के तौर पर उन्होंने स्थापित किया था। ऑलरेडी हम एक क्लास ही डेडिकेट कर चुके हैं धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं की थी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये क्लास जरूर अटेंड करें, जिससे कि आप ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है पूरा परिचय पा सकें और देखें कि किन किन माध्यमों से किन किन तरीकों से भारत से धन निष्कासित होता रहा और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलें आगे बढ़ें। आगे चल करके महादेव गोविंद रानाडे के साथ आरसी दत्त ने भी अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसकी व्याख्या की। तो ठीक है, उस वक्त की आर्थिक विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में से एक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो भी भारत की आर्थिक बदहाली का जिक्र करती है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन को ऐसे अनवरत और प्रतिदिन होने वाले विदेशी आक्रमण के रूप में देखा जो धीरे धीरे भारत का विनाश करता जा रहा था। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में अंग्रेजों का शासन लगातार हो रहे आक्रमण की तरह है जो धीरे धीरे भारत को विनाश की ओर प्रशस्त करेगा। देखिए, राष्ट्रवादियों की शिकायत थी कि भारत की दौलत इंग्लैंड ले जाई जा रही है और उन्होंने इस दोहन को रोकने की मांग भी की। किसानों पर करों का बोझ कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी घटाने के सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाया। उन्होंने भारी करों को भारत की गरीबी का एक प्रमुख कारण बताया और नमक कर को खत्म करने तथा जमीन की मालगुजारी घटाने की मांग भी की। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उदारवादी किन विषयों पर केंद्रीकृत रहे और उसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है, आगे बढ़े। उनकी कुछ अन्य मांगों को अगर हम देखें तो भारत से किए जाने वाले आर्थिक दोहन को समाप्त करने की मांग उन्होंने बहुत तेजी से उठाई, बड़ी मजबूती के साथ। कृषकों पर कर के बोझ कम करने के लिए भू राजस्व में कमी करने की मांग भी उनके द्वारा की गई। अत्यधिक सैन्य व्यय और भारतीय सेना द्वारा विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए किए जाने वाले अभियानों का भार भारतीय राजस्व पर न रखा जाए, इस बात की भी के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाने वाला सैन्य व्यय या भारतीय सेना द्वारा विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि के लिए किया जाने वाला खर्च और अभियान, इस पर अंकुश लगाया जाए और अगर ये फिर भी जो है किया जा रहा है तो इसका भार भारतीय राजस्व पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने रेलवे, बागानों तथा उद्योगों में स्वहित के लिए किए जाने वाले विदेशी निवेश का विरोध किया। इन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि किस तरीके से भारत में जो है रेलवे के सेक्टर में, बागान में और अन्य उद्योगों में अपने हित को ध्यान में रख करके अंग्रेजी निवेशक निवेश कर रहे हैं, ऐसा निवेश जिस पर वो लाभ की गारंटी लेते हैं, लाभ की गारंटी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि रेलवे के सेक्टर में
होने वाले ब्रिटिश निवेश को पांच प्रतिशत लाभ की गारंटी दी गई थी, जबकि ब्रिटेन में ही इस सेक्टर में किए गए निवेश पर अधिकतम 2% लाभ प्राप्त किया जा सका था। इसके बावजूद भारत में 5% लाभ की गारंटी दे रहे, क्योंकि देना तो भारतीय राजस्व से ही है। तो इस तरीके से जो है विदेशी निवेश जो निवेशकर्ताओं के हित में हो रहा है उस पर रोक लगाने, भारतीय राजस्व पर सैन्य व्यय और भारतीय सेना द्वारा विदेशों में किए जाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि के लिए अभियानों का व्यय न रखा जाए, कृषकों पर कर का बोझ कम कर दिया जाए, ठीक है, आर्थिक दोहन को समाप्त किया जाए, लगान को कम किया जाए, जमीनों पर माल गुजारी को कम किया जाए, इन संदर्भों में उदारवादियों ने प्रमुख तौर पर मांगे प्रस्तुत की। आइए देखिए उनकी मांगों में एक अहम मांग जो कि शुरुआती दौर में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई और लगातार प्रयत्न किए गए प्रार्थना पत्रों के जरिए, वो थी संवैधानिक सुधारों की मांग। देखिए, राष्ट्रवादियों को प्रारंभ से ही यह विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को तुरंत प्राप्त किए जाने की मांग नहीं की और धीरे धीरे इस तरफ अग्रसर होने की प्रक्रिया अपनाई। उदारवादियों की तात्कालिक मांगें अत्यंत साधारण थी। वे एक एक कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। वे इस बात से सावधान भी थे कि कहीं सरकार उनकी गतिविधियों को कुचल न दे और कांग्रेस का दमन न होने लगे। इसलिए उन्होंने 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों के प्रसार और उसमें सुधार के लिए ही बार बार मांगे उठाई। ठीक है, तो शुरुआती दौर में उनके द्वारा जिस मांग को प्रमुखता से उठाया गया वो था संवैधानिक सुधारों की मांग। दरअसल वो ये चाहते थे कि संवैधानिक सुधार किए जाएं जिसके जरिए जो है भारत के हितों को सुनिश्चित किया जा सके और उनके शोषण को रोका जा सके। उन्हीं के आंदोलन के दबाव से हमने आपको चर्चा भी की और बताया कि किस तरीके से 1892 का भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा अंग्रेजों को। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाना था, परंतु बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर। उदारवादियों की मांगों के परिणाम स्वरूप 1892 के भारतीय परिषद कानून के जरिए शाही विधायी परिषद और प्रांतीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का होना और भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सदस्यों का चुनाव चुना जाना, ये एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन का दावा पेश करना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे जब कांग्रेस पुरानी हो रही है और उसकी पकड़ जनता पर बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जो है अपना रुख भी परिवर्तित किया और उदारवादी नेताओं ने भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर भारत में स्वशासन लागू करने की जो है बात करनी शुरू कर दी। कांग्रेस के मंच से इस मांग को वर्ष 1905 में गोखले द्वारा और 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा उठाया गया। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले ने इस बात की मांग की स्वशासन की और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने भी यही बात दोहराई। ये थी संवैधानिक सुधारों के लिए किए गए उनके प्रयत्न और उनकी मांगे। अब हम देख रहे हैं प्रशासकीय सुधारों की मांग जो उदारवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई वो क्या थी, आइए देखें जरा। देखिए, उदारवादियों द्वारा प्रारंभिक काल से ही प्रशासन के अधीन सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की गई थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी प्राप्त वेतन का एक बड़ा हिस्सा अपने गृह देश इंग्लैंड भेज देते थे। तो बड़े पदों पर, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी ही पदस्थ हुआ करते थे और बड़ा वेतन हासिल करते थे, वो अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा भेज देते थे इंग्लैंड और इस तरीके से हो रहा था धन का निष्कासन। ठीक है, यही नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों ने इस प्रक्रिया को भारत से धन की निकासी के रूप में इंगित किया और इस पर रोक लगाने की मांग की और इस पर रोक लगाने के क्रम में उनकी जो मांग स्पष्ट रूप से उभर कर आई वो ये थी कि प्रशासन के अधीन जो सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण किया जाए और उन पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। उदारवादियों ने बाद में भारत में ही प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की ही अनुपस्थित को अनैतिक भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए भारतीयों को ही अगर उस पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता तो ये पूर्णतः अनैतिक प्रावधान होगा। आर्थिक दृष्टि से उच्चतर पदों पर यूरोपीय एकाधिकार दो कारणों से उदारवादियों को हानिकारक लग रहा था। पहला कारण क्या है,
जो जिसकी वजह से वो बड़ी पदों पर यूरोपीय एकाधिकार की मुखालफत करते हैं। यह है यूरोपीय लोगों को चूंकि बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे और इससे भारत का प्रशासन बहुत ही खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर इन पदों पर नियुक्त किया जा सकता था और अपव्यय को रोका जा सकता। दूसरा कारण था कि यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत के बाहर चूंकि भेज देते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में दी जाती थी, इससे भारत की संपत्ति का दोहन और उसका निष्कासन लगातार बढ़ रहा था। इन दोनों कारणों से प्रेरित होकर के यूरोपीय एकाधिकार जो बड़े पदों पर है उसे समाप्त किए जाने की मांग करेंगे उदारवादी, और उच्च पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति का समर्थन करेंगे। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मानना था कि इन सेवाओं का भारतीयकरण करने से प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति सजग हो जाएगा। उनका यह भी मानना था कि भारतीय प्रशासकों को भारतीय समस्याओं का अधिक ज्ञान होने के कारण वे एक बेहतर प्रशासक भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, नैतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारतीय प्रशासन भारतवासियों के द्वारा ही चलाया जाए, अन्यथा उनकी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं उपयोग के बिना धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और वे अपने ही देश में मात्र मजदूर बनकर रह जाएंगे। तो जो है भारतीय उच्च पदों का भारतीयकरण किए जाने के पीछे दो दृष्टिकोण स्पष्ट हैं। एक राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसके जरिए ये मानना है कि भारतीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से भारतीय प्रशासकों के जरिए संभव हो सकता है, इसलिए इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे कि बेहतर प्रशासक के तौर पर वो साबित हो सके और खुद को जो है स्थापित कर सके। नैतिक दृष्टि से उनका मानना है कि भारत के प्रशासन में अगर भारतवासियों को प्रतिभाग नहीं दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी और वो जो है अपने ही देश में जो है निम्न पदों पर आसीन मजदूर की भांति कार्य करने पर विवश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से उनके द्वारा की जाने वाली संवैधानिक सुधारों की मांग का हमने परिचय प्राप्त किया और प्रशासनिक सुधारों की मांग का परिचय प्राप्त किया। अब देखिए, न्याय के क्षेत्र में किस सुधार की जो है वो सिफारिश करते हैं। राष्ट्रवादियों की मांग थी कि न्यायिक अधिकारों और कार्यकारी अधिकारों को पृथक कर दिया जाए, जिससे पुलिस और नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता को राहत मिल सके। उन्होंने जनता के साथ पुलिस और दूसरे सरकारी अमलों के दमनकारी और निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आंदोलन भी चलाए। दरअसल उनका मानना है कि न्यायिक कार्य और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर देने से पुलिस और नौकरशाही का मनमाना अत्याचार जो जनता पर हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा, और इस बात को लेकर के वो मांग ही नहीं कर रहे बल्कि पुलिस और सरकारी अमलों के दमनकारी रवैये के खिलाफ वो आंदोलन भी चला रहे हैं। उदारवादियों ने कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले विलंब तथा न्याय व्यवस्था के ऊंचे खर्च की आलोचना भी की। सरकार के विदेश नीति की भी आलोचना उदारवादियों के द्वारा की गई। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन के साम्राज्य के विस्तार के क्रम में उन्होंने बर्मा पर हमले किए, अफगानिस्तान से युद्ध किए, और इन सारे युद्धों के खिलाफ हैं कौन? उदारवादी। दरअसल राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति प्रति ठीक है प्रति सरकार की आक्रामक विदेशी नीति का विरोध किया। उन्होंने बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर हमले तथा पश्चिमोत्तर भारत की आदिवासी जनता के दमन का भी विरोध किया, और इस तरीके से सरकार की विदेशी नीतियों को उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया। और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना चाहिए जिससे अनावश्यक व्यय भी ना हो, ऊर्जा भी जाया ना हो और आपस में सौहार्द भी कायम रह सके। इसके अलावा वो कल्याणकारी कार्यों के संपादन की मांग भी ब्रिटिश सरकार से करते हैं। दरअसल राष्ट्रवादियों ने सरकार से गुहार लगाई कि वह राज्य की तरफ से कल्याणकारी गतिविधियां चलाएं। उन्होंने जनता में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बहुत अधिक जोर दिया। उनके द्वारा तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग उठाई गई। साथ ही सूदखोरों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने कृषि बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। उनके द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग प्रस्तुत की गई। उन्होंने पुलिस को ईमानदार, कुशल और जनप्रिय बनाने हेतु पुलिस व्यवस्था में भी सुधार की मांगें उठाई। ठीक है, तो वेलफेयर के काम करने पर फोकस करें ब्रिटिश सरकार, ऐसा चाहते हैं उदारवादी। इस संदर्भ में वो सबसे पहले चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। न सिर्फ प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करके जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए बल्कि तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। वो चाहते हैं कि किसानों का शोषण जो कि जो है अब महाजनों के प्रभाव में, सूदखोरों के प्रभाव में बढ़ रहा है, इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना भी की जाए। शिक्षा
और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं तथा पुलिस को ईमानदार, कुशल और जनप्रिय बनाया जाए, और इस हित तो अगर आवश्यक हो तो पुलिस व्यवस्था में सुधार भी किया जाए। निष्कर्ष देख लेते हैं कुल मिलाकर के कि क्या मोटिव है, किस तरीके से क्या स्थापना करना चाहते हैं भारत में उदारवादी। वस्तुतः समकालीन कांग्रेसी विश्वास करते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और वे भारत से न्याय ही करेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है, अतः वे लोग अंग्रेजी सरकार को शत्रु नहीं अपितु अपना मित्र समझते थे। उन्हें आशा थी कि बाद में अंग्रेज उन्हें अपनी परंपराओं के अनुसार स्वशासन करने में योग्य बना देंगे, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में हुआ था। इसलिए वहां से जो है उम्मीद लगाकर बैठे थे भारतीय भी। वे समझते थे कि भारत की उन्नति में बाधा अंग्रेजी उपनिवेशवादी नीति नहीं अपितु भारतीयों का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है या प्रतिक्रियावादी नौकरशाही है। अगर वो भारत के रास्ते में किसी को चुनौती के तौर पर देखते हैं तो अंग्रेजी उपनिवेशवादी नीति को नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को तथा प्रतिक्रियावादी नौकरशाही को ही इस भारत की समस्याओं का मूल कारण मान रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने ब्रिटिश शासन की बुराइयों तथा सुधार की राष्ट्रवादी मांगों को अस्वीकार करने के सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो उनमें से अनेकों ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की कसम खाना बंद करके भारत के लिए स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त उनमें से अनेक इसलिए उग्रवादियों के विरोधी थे क्योंकि वे समझते थे कि विदेशी शासकों को खुलकर चुनौती देने का समय अभी नहीं आया है। आरंभिक वर्षों में क्योंकि दमन की पर्याप्त संभावना थी, और इस वक्त अगर दमन की कार्यवाहियों को का संपादन होता तो कांग्रेस दम तोड़ देती इससे पहले कि वो मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस वजह से भी वो विदेशी सरकार को खुलकर चुनौती देने के विरोध में है, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश शासन की बुराइयों से परिचित होने के कारण तथा सुधार की मांगों के जो को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण अब वे वफादारी की कस्में नहीं खाते बल्कि स्वशासन की मांग करते नजर आते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक हमारा, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। क्या प्रकृति रही, क्या प्रवृत्ति रही शुरुआती दौर में कांग्रेसी नेताओं की आंदोलन को लेकर के, किन विषयों पर उन्होंने फोकस किया, आंदोलन के तरीके कौन से रहे, ये सब हमने जाना आज की क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब नाउ। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर देर किए, बगैर वक्त गवाए जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करिए और अपने सपनों का सफर इससे जोड़िए। एक बात और बता दूं कि सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया में अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि SPVEDS10 है, जी हाँ, मेरा रेफरल कोड SPVEDS10 यूज करने की स्थिति में किसी भी तरीके के कोर्स को लेने की स्थिति में आप 10% छूट के हकदार हो जाते हैं। इस पर सीधे 10% की रियायत प्राप्त करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करें और डिस्काउंट हासिल करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आज के लिए तो इतना ही।